पीने गया है अमरूद लेने, और अभी आज हमने शूट किया भाई के साथ, सुमित संस्कारी भाई, ये भाई दीपू भाई, और ये हमने यहाँ खाना खाया भाई, एक नंबर खाना भाई। अभी हम हल्द्वानी बरेली रोड पे घूम रहे हैं, और अब हम कहाँ जाएंगे भाई? सुबह मॉर्निंग हो गई है और रात को मैं यहाँ सोफे पे ही सो गया भाई। संचित भाई ने मेरे को पहचान लिया, अब ये मैं सोचना कि मैं बहुत फेमस आदमी हूँ। संचित भाई ने भी मर्सिडीज में मन्नत ढाबे पे रुक गए हैं भाई, पार्किंग की थोड़ी किल्लत है, पार्किंग के लिए वापस घुमा के और उस तरफ दूसरे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, और अभी सुबह के बज गए भाई 9:30 और हम हो गए हैं थोड़े से लेट, मतलब तो अभी हम जल्दी जल्दी तैयार हो गए हैं फटाफट। इवन ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं था तो अपन उसमें ही नहा लिया, ताज़ा ताज़ा ठीक पानी था। विनय अभी रेडी हो रहा है बस, और फिर हम निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट करके, और हमने जाना है आज गदरपुर, और हम जिनसे मिलने आए, ये पहले थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखो कोई व्यू नहीं है भाई, गार्डन व्यू है, ये वो शादी वाला होता है ना गार्डन, वो है कुछ इस होटल में। यहाँ पूल है, ये बाहर बालकनी है जिसमें ये गेट है, बट इसके आगे रखे गए चेयर। तो अब हम चलेंगे गदरपुर और वहाँ हम मिलेंगे संस्कारी सुमित, मिस्टर सुमित है, और ये फ़ोन नहीं है तो घर से फ़ोन है, तो चलो चलते हैं भाई। लो भी ब्रेकफास्ट हो गया, ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, तो अपन तो गोभी के पराठे और मैंने पराठे और वड़ा खा लिया, अब निकलते हैं भाई, सच में लेट हो गया हम। मतलब अपना हाईवे ये देहरादून हाईवे जो है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देहरादून हाईवे है, हाँ ये सीधा सीधा रूट जो है ये वही है देहरादून हरिद्वार, अच्छा है ना, तो वही हाईवे है, और रुद्रपुर से निकलोगे 18-20 किलोमीटर है बस अपना है। अभी मैं तो यही कहूंगा है ना, जो पहला स्कूल है वो ये है अपना सामने। भाई विनय गया है अमरूद लेने, और अभी आज हमने शूट किया भाई के साथ, सुमित संस्कारी भाई हमारे साथ है आज, और अभी हम भाई के साथ जा रहे हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी दिखाएंगे, हल्द्वानी दिखाएंगे आप। अभी दिखा दिया हमने जन्मभूमि, अब दिखाना कर्म, अब कर्म भूमि की जहाँ सारा ज्यादा काम हुआ है, ये बोलो कर्म भूमि और जन्मभूमि, नाइस वर्ड्स। ये हम हरियाणा से है ना भाई, हम ये ऐसे ऐसे वर्ड भाई, सुमित भाई के घर पे आए हैं। चलो ये भाई दीपू भाई, और ये हमने यहाँ खाना खाया भाई, एक नंबर खाना भाई, दीपू भाई मस्त मजा आ गया। ये सुमित भाई लेके आए थे, और ये है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, टाटा शोरूम के सामने, हाँ बरेली रोड हल्द्वानी, टाटा का शोरूम है यहाँ सामने, उसके सामने एक नंबर का घर जैसा खाना भाई, मजा आ गया। खाना खा के अब निकल गए हम। खाना कैसा था? खाना एक नंबर भाई, अभी मैंने यही पूछा था, मैंने कहा यार अगर घर वाला खाना खाना है तो बताओ, और होटल वाला खाना है तो बताओ, तो भाई कह रहे हैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल तवा रोटी घर का खाना भाई। हाँ, और अभी हम हल्द्वानी बरेली रोड पे घूम रहे हैं, और अब हम कहाँ जाएंगे भाई? हाँ भाई गाड़ी चला रहे हैं, हम अपने आप ले जाएंगे सुमित भाई, कहाँ ले जाओगे भाई? मोड़ सा हो रहा था बड़ी देर से, मतलब मैं जिस दिन गाड़ी चला ना, मैंने तभी तो कहा भाई मेरे को, तो क्योंकि ऐसा नहीं है, नॉर्मल स्विफ्ट है, पिछली जनरेशन पेट्रोल गाड़ी है, कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग वाला नहीं था, लेकिन बस ये हो रहा था यार आज गाड़ी नहीं चलाई मैंने, दिन पूरा सा नहीं हो रहा, तो देखते हैं अभी। अब तो है तसल्ली से है, कुछ जगह बढ़िया सी आती है दिमाग, क्योंकि जब पेट भर जाता है ना फिर आदमी कहता है थोड़ा सा सस्ता ले, तो फ्लैट पे चलते हैं यार, है ना? चलो और फिर बनाते हैं प्रोग्राम, क्या क्या करना है। ठीक है, सो भाई अब रात के 9 बज गए हैं, और सुमित भाई और विनय जो हैं वो डिनर विनर का खाना वाना लेने गए थे, और भाई बैठे बैठे मैं उनका वेट करते करते हो गया हूँ, अब बिल्कुल नींद आने लग गई थी। तो अब इस व्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, और मुझे लग रहा था कि वो आ जाएंगे जब हम फिनिश करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इस व्लॉग को अपन यहीं फिनिश करते हैं। द नेक्स्ट डे, आज बज गए हैं भाई सुबह के 10:50 हो गए, 11 बज गए भाई, 11 मिनट कह रहा हूँ यार, क्या ही हो गया मेरे को, 11 बज गए, और हम हैं अभी भी संस्कारी सुमित, अपने सुमित भाई के पास। सुबह मॉर्निंग हो गई है, और रात को मैं यहाँ सोफे पे ही सो गया भाई, और ना मैंने कुछ छोड़ा ना कुछ, सोने की जगह थी, सोने की जगह थी, सोने की जगह थी, फिर भी मैं यहाँ सो गया, ऐसा काम है मतलब। ठीक है सारी जगह है भाई फुल, और कोई आ मत जाना यहाँ पे, कह रहे भाई फुल फुल जगह बता रहे थे। तो भाई अभी अपने एक भाई आ रहे हैं दिल्ली से, दिल्ली से अपने एक भाई आ रहे हैं, अब उनको लेकर ले जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अपन एक वीडियो बनाएंगे, और फिर अपन निकलेंगे, और पहले सुमित भाई के घर गदरपुरी जाएंगे, और फिर वहाँ से भाई को छोड़ के
और फिर अपन फ्लाइट पकड़ लेंगे दिल्ली की तरफ की। ठीक है, तो आज का ये शेड्यूल है। फ्लाइट कौन सी, स्विफ्ट फ्लाइट? स्विफ्ट फ्लाइट, एयर स्विफ्ट, तो एयर स्विफ्ट पकड़ेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे अपने, मतलब बीच में कुछ और काम है अगर वहां पे वो बात बनी तो ठीक है, नहीं तो फिर गाज कर जाते हैं जहां जैसा सिस्टम बन जाए, है ना। मौके यूट्यूबरों का क्या है, निकलते पंजाब के लिए फोटो डालती है केरला की, है या नहीं? अब हम जा रहे हैं भाई हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि जो भाई आ रहे हैं ना उनको लेना, और ये देखो वो हमारे अभी पैरेलल चल रहे हैं, वो इधर चल रहा है भाई ट्रेन में, हम ये चल रहे हैं सीधा सीधा, और मैं विनय को कह रहा हूँ यहीं से राइट ले ले, देख ले कहीं से गली सी दिखती हो तो ट्रैक पे ले लेंगे सीधा। तो भाई अब आ गए अपने साथ संचित भाई, संचित भाई को लेने आ गए, और संचित भाई ने मेरे को पहचान लिया, अब ये मैं सोचना कि मैं बहुत फेमस आदमी हूँ, संचित भाई ने भी मर्सिडीज में संचित भाई ने भी मर्सिडीज में काम किया, तो हम कहीं ना कहीं टकर गए होंगे कहीं। बिल्कुल यार, मतलब बहुत छोटी इंडस्ट्री होती है यार ऑटोमोबाइल, तो जो लोग हो आप लोगों को पता ही है कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाते हैं। तो अब संचित भाई ने भी चैनल बना लिया अपना, संचित भाई के चैनल का नाम है संचित सक्सेना ही, संचित सक्सेना, भाई संचित सक्सेना नाम से चैनल है भाई का, बाकी ये हमारा व्लॉग चैनल है। Okay. यहाँ अगर मैं यूँ कहूंगा ना कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपके चैनल से भी कम सब्सक्राइबर। नहीं नहीं यार सही है यार, बहुत बढ़िया भाई, दोनों को सब्सक्राइब करो, दोनों को सब्सक्राइब करो तुम। चलो भाई अब ब्रेक, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया भाई। अच्छा, हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए सर करते हैं ब्रेकफास्ट, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं भाई। चलो भाई फाइनली दो दिन के बाद सुमित भाई से विदा लेंगे हम, बस भाई को छोड़ेंगे उनके टाउन में, उनके जगह पे गदरपुर, और फिर बस वहाँ से निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम हल्द्वानी के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में हैं। तो ये तो बताओ कैसा लगा तुम्हें टोटल? एक नंबर भाई, मज़ा आ गया। मैं सोचा ये था कि भाई आए, पहली बार आ रहे हैं और मज़ा ही आए, राहुल गांधी वाला मजा आया। ये मजा आप पूरे भारत को देना चाहते हो? पूरे भारत को भाई, वो तो दे ही रहे हैं यूट्यूब से, बाकी आप पर्सनली आए, मजा ही आना चाहिए ऐसे भाई, धीरे धीरे अपने जिस चीज के लिए प्लेस लिया है ये कि आए, अपना स्पेस मिले, है ना, कंफर्टेबल होकर रहे, तो वो चीज शायद आगे धीरे धीरे और भी क्रिएटर आएंगे और भी भाई आएंगे, उनके साथ भी ऐसे एंजॉय करेंगे। ये सही किया भाई, बहुत बढ़िया चीज था। चलो भाई अब दो दिन के बाद फाइनली भाई को बाय करने का टाइम आ गया है। ये भाई को बाय करने का टाइम आ गया है। अब हम भाई को छोड़ देंगे भाई के घर पे। हाँ जी भाई, और फिर भाई वापस जाएगा, है ना, अभी गाड़ी। हाँ, अभी सीधा यहाँ से गाड़ी उठानी है, क्योंकि गाड़ी नहीं तो भाई पोपट हो गया, खाली चाबी लेकर चले गए, चाबी लेके घूम रहे हैं, और गाड़ी को जो गाड़ी थी उसकी चाबी नहीं थी, और जिस गाड़ी की चाबी अपने पास थी वो गाड़ी यहाँ खड़ी थी, तो भाई ये सीन हो गया। बाकी फिलहाल आई होप मजा आया होगा आप लोगों को भी और आपको भी, है ना। मजा आया भाई, मजा एकदम बन गया मजा। चले भाई, भाई चले हुए हमको हो गए काफी देर, अभी हम पहुंचे हैं रामपुर, और ये चौक आता है भाई रामपुर का, जो कि बहुत गजब लगता है भाई, और उधर की तरफ गेट है एक बहुत बड़ा गेट, और ये चौक है, और ये सामने भी कुछ बना हुआ है, पता नहीं कौन सा महल है ये, और ये गेट देखो भाई विशाल का ये गेट है, यहाँ पे रंग महल, ये तो कुछ होगी चीज़ है, बाकी ये चौक और ये गेट जबरदस्त बड़े बड़े हैं यहाँ पे। तो भाई चलते चलते पहुँच गए हैं फाइनली मुरथल, और अब जो है ना भूख वो पीक पे है बिल्कुल मेरी और विनय की, क्योंकि टाइम हो गया है 9:37 हो गए भाई, लगभग हमें 3.5 घंटे हो गए हैं चलते हुए लगातार। अब अपना मुरथल रुकेंगे आराम से, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होंगे, फ्रेश फ्रेश मतलब कि मुँह मुँह धोएंगे, खाना खाएंगे, और फिर आगे अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। हमारी शक्ल दिखेगी नहीं इसलिए रोड दिखा रहा हूँ, रोड देख लो, थोड़ी सी विनय की दिख सकती है, विनय गोरा है ना, वो देखो वो लाइट आ गई इतनी देर में, मेरी भी देख लो जल्दी। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो मन्नत ढाबे पे रुक गए हैं भाई, पार्किंग की थोड़ी किल्लत है, पार्किंग के लिए वापस घुमा के और उस तरफ दूसरे पॉकेट में लगानी पड़ेगी, लेकिन पीछे एक भाई साहब हैं वो हटाने की कोशिश नहीं कर रहे गाड़ी। अभी खाना खा लिया है, अब निकल रहे हैं भाई मन्नत से, अब क्योंकि खाना खा लिया पेट भर गया। अब विनय क्या सुनेगा? गाना कौन सा? कोई भी चला लेंगे। चलो यू भाई बाहर खड़े, मेरे को पैसे तो नहीं है, फिर देना इसते अंदर। पैसे नहीं है भाई, पैसे नहीं है, क्या करना है पैसे भैया।
अंदर भी कार्ड से पेमेंट होती है आजकल तो। लो भाई फाइनली पूरा सही टाइम पे 11:30 बजे अपन पहुंच गए हैं अपने घर। अब इन्हें जाएगा अपने घर बस मुझे ड्रॉप करके। और आज का दिन भाई ठीक रहा, हल्द्वानी से चले थे टाइम से और आपने देखा कि संस्कारी सुमित भाई के पास थे हम, और भाई आते आते ठीक था, मतलब सारा कुछ ठीक है। और अब बस बाय 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 करेंगे भाई, अब थक गया है सोएंगे। बाय टाटा सी यू। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, जो करना है कर लो, बढ़िया। हेलो भाई, रात को भी सोया नहीं है ये देखो रात को ही। अच्छा ठीक है, बस ठीक है अभी कर रहा हूँ, एक मिनट दे दो, चाबी करूँगा प्यार। हाँ मेरे हाथ में सामान है ये भाई, आया कर तो। ये आया हुआ है बॉक्स, ये देखो, ये ई मोटोरेड से आया हुआ है, कल इसको ओपन करके दिखाएंगे कल वाले ब्लॉग में।